दशहरा के पर्व पर प्रदेश भर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश भर में शस्त्र पूजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम ने महेश्वर में शस्त्र पूजन किया, जिसके बाद सीएम इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन को माता अहिल्या के नाम समर्पित किया गया है। माँ अहिल्या की नगरी और उनका 300वां जन्मोत्सव हमने दशहरा अहिल्या माता के नाम समर्पित किया है। आज का शस्त्र पूजन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मैं अहिल्या माता की राजधानी तत्कालीन समय की महेश्वर से पूजन के आ रहा हूँ और पूजन करके आने के बाद यहाँ इंदौर उनकी छावनी रही है, उनकी सशस्त्र सेना यही रहती थी। यहाँ पूजन करके हमारी हजारों साल पुरानी दशहरे की शस्त्र पूजन की परंपरा में मैं शामिल हूँ। अहिल्या माता के जीवन के बहुत सारे पक्ष, जिसमें नारी सशक्तिकरण की दिशा में उनके उठाए गए कदम, खास करके महिलाओं की सेना बनाना, महिलाओं के शासन के सूत्र हाथ में लेकर सत्ता चलाना, जन कल्याण के कई सारे कामों को करना, हस्तकरघा सहित महेश्वरी साड़ियाँ और कई कामों को उन्हें जो किया है, पूरे देश में सनातन धर्म की सभी देवस्थानों के मंदिरों का जीर्णोद्वार, घाट का निर्माण, भिक्षुक घर का निर्माण, अन्य क्षेत्र का शुरुआत, ऐसे कई काम जो आज भी हम सब उनके लिए बड़े आदर से उनके शासनकाल को याद करते हैं। मैं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एक बार फिर आप सबके माध्यम से अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, खास करके ये दशहरा पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों के लिए मंगल कामना, बधाई।